अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? मुझे मोस्टली लोगों ने ये पूछा है, जो फीमेल फैंस हैं, कि मेरी स्किन जो है वो क्यों इतनी बेहतर है, मैं क्या करती हूँ स्किन के लिए। एंड डेफिनेटली आई डू लुक आफ्टर माय स्किन एंड अपनी स्किन के लिए मैं अप्लाई करती हूँ मुख्तलिफ ऑर्गेनिक मास्क एंड सम स्क्रब आई मेक एट होम। आपसे मैंने पहले भी ये शेयर किया था, लेकिन एक नई चीज़ है, चूँकि सर्दियाँ आ रही हैं प्लस डेड स्किन होती है, तो इस वजह से डार्क स्किन जो है उसको बेहतर करने के लिए भी ये मास्क के अंदर कॉफ़ी एक स्पून, और चूँकि हल्दी टर्मरिक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है स्किन के लिए, वो लाजमी अप्लाई करें। चूँकि पिंपल्स हैं अगर स्किन पे, या छोटे मोटे आपको कट होता है, यू नो वी डोंट रियलाइज नाखून लग जाता है, तो इस वजह से उसको बेहतर कर देता है। और हल्दी कॉफ़ी और एक स्पून आप लगाएंगे, डालेंगे हनी, और उसके बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए अप्लाई कर देना है। एंड देन यू विल सी योर स्किन इज़ गोइंग टू ग्लो। और जो एरियाज अभी आप लगा लें, चूँकि सूखने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई हो जाएगा, तो जो एरिया स्पेशली ये नोज़ और ये जो अपर लिप, स्पेशली जो आपको लगता है डिसकलरेशन हो जाती है, उधर आप लगाइए। एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट यूज़ इट ऑन नेक। सो नेक भी आपका अपना है, उधार का नहीं है, तो मैं हमेशा नेक पे ही जो भी क्रीम है, मास्क है, या जो भी चीज़ें अप्लाई आप फेस पे करते हैं, वो आप नेक पे भी कीजिए, ताकि आपका कलर है और ये बाल आ रहे हैं, इसको मैं धो लूँगी बाद में। ठीक है जी, सो नाउ यू गोना अप्लाई, एंड इसको आपने अभी से हल्का सा, बिल्कुल जहाँ पे आपको लगता है कि आपके डार्क फेस डिस्कलरेशन है, इसको राउंड राउंड बहुत लाइट सर्कुलेटेड मोमेंट में आपने इसको करना है। सो आफ्टर दैट यू कैन वॉश इन, सबसे इंपॉर्टेंट पता क्या है, होंठों पे भी लगा सकते हैं, स्क्रब कर सकते हैं, दिस वेरी गुड। और 10 मिनट तक लगे रहने दे, और आईज आईज पे नहीं लगाना, ठीक है? ये मेरे डार्क सर्कल है, इस पे लगाया नहीं है मैंने। ओके, मैंने अपना स्क्रब लगाया था और अब मैं मास्क लगाऊंगी। मास्क जो है, अगर किसी को एलर्जी है किसी भी चीज़ से, डू नॉट यूज़। आप चेक कीजिए जो आपको सूट करे, एलर्जी ना हो देन यू डू इट।